नमस्ते बच्चों, दसवीं कक्षा द्वितीय भाषा हिंदी पाठ 12 भाग 3 में आपका पुनः स्वागत है। पाठ 12 धरती के सवाल अंतरिक्ष के जवाब। पिछले दो वीडियोस में आपको अब्दुल कलाम जी के बारे में बताया गया था और अभी आया मिसाइल वुमन टेसी थॉमस के बारे में भी आप पर जानकारी प्राप्त करोगे। तो टेसी थॉमस का पूरा नाम डॉक्टर टेसी थॉमस, अन्य नाम अग्निपुत्री, भारत की मिसाइल वुमन, जन्म अप्रैल 1964, जन्मभूमि केरल, पति का नाम सरोज कुमार, शिक्षा बीटेक और एमटेक, विद्यालय त्रिचूर इंजीनियरिंग कॉलेज कालीकट, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे, पुरस्कार लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड 2012 में दिया गया है, कल्पना चावला पुरस्कार, सुमन शर्मा पुरस्कार, इंडिया टुडे वुमन ऑफ द ईयर का खिताब 2009 में दिया गया है। प्रसिद्ध मिसाइल वैज्ञानिक हैं, नागरिकता भारतीय है और संबंधित लेख एपीजे अब्दुल कलाम, अग्नि प्रक्षेपास्त्र, ब्रह्मोसो मिसाइल, तो ये इनकी जानकारी है। तो अभी चलिए देखते हैं उनका पढ़ा हुआ। यूनिवर्सिटी UIT, यूनिवर्सिटी ऑफ केरला अलपुजा रीजनल सेंटर, ये DRDO का ये है। तो ये DRDO में काम करती है और ये केरला यूनिवर्सिटी से आई है। तो यहाँ देखिए आप 2012 में इन्हें प्रतिष्ठित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। यह पुरस्कार मिसाइल तकनीकी के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। डॉक्टर टेसी थॉमस को 2019 में IIT कानपुर और 2018 में कर्नाटक केंद्रीय विवि ने डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद डिग्री भेंट की है। तो इस तरह इन्हें कुछ और अवार्ड्स भी मिला था। तो अभी चलिए देखते हैं टेसी थॉमस के बारे में, जो साक्षात्कार लिए हैं वे क्या कहना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से मुझे टेसी थॉमस का साक्षात्कार करने का मौका मिला था। मैं सुबह सुबह ही हैदराबाद के डिफेंस क्वार्टर्स में स्थित उनके घर पहुंच गई। जैसे ही घर की घंटी बजाई, जरीदार साड़ी में भारतीय सांस्कृतिक छाप लिए टेसी जी ने मेरा मुस्कुराकर स्वागत किया। मैं पहली ही नजर में उनकी सादगी की प्रशंसक बन गई। तो वे उतना उच्च पद में होने पर भी कभी भी गर्व नहीं करती थी और सादगी का जीवन बिताती थी। तो यहाँ पर साक्षात्कार जब उनके घर गई तो उन्हें इसी तरह का स्वागत मिला था। घर में देखा तो पुरस्कारों और सम्मानों का भंडार पड़ा है, किंतु इसमें भी विशेष था हाथी वाला स्मारक, जो उन्हें उनके इंजीनियरिंग की पढ़ाई के समय कॉलेज की ओर से दिया गया है। तो उनका घर में ड्राइंग रूम में जब देखा गया था तो पूरा कबर्ड पुरस्कार से भरा हुआ था, मानो लगता है कि घर पूरा पुरस्कारों का भंडार है। तो वहां भी हाथी वाला स्मारक जो पुरस्कार है वह इंजीनियरिंग पढ़ते समय उन्हें कॉलेज की ओर से दिया गया था। उनकी शिक्षा दीक्षा केरल स्थित अलपुजा में हुई, तो उनका पूरा शिक्षा केरला में ही हुआ था, यहीं पर उनका जन्म हुआ था। रक्षा अनुसंधान और विज्ञान को पुरुषों का क्षेत्र माना जाता है, DRDO पुरुषों के लिए सोचते थे, मगर टेसी थॉमस ने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ निश्चय से पुरुष वर्चस्व वाले क्षेत्र में सफलता के नए शिखर तय किए हैं। लेकिन इन्होंने पुरुषों की जो क्षेत्र है उसे चुना है और मेहनत, लगन, दृढ़ निश्चय से उसे मिला भी है। थॉमस रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अग्नि 5 कार्यक्रम की निर्देशक बनी,
उन्होंने देश के किसी मिसाइल प्रोजेक्ट की पहली पहली महिला प्रमुख बनने का गौरव प्राप्त किया, इसलिए उन्हीं से उनके बारे में जानते हैं। तो ये मिसाइल फाइव अग्नि फाइव जो है उसका कार्यक्रम के लिए डायरेक्टर बनाया गया था। तो बाकी उनके बातों में ही हम सुनेंगे प्रश्नों का जवाब वे क्या देती हैं। तो साक्षात्कारकर्ता पूछ रहे थे, आप अपने आरंभिक जीवन के बारे में क्या बता सकती हैं? तो केसी तामस बोल रही थी, मुझे बचपन से ही कुछ अलग करने की चाह थी, मैं अंतरिक्ष के सपने देखती थी, यही कारण रहा कि मैंने गणित और विज्ञान विषय को अपने तन मन में बसा लिया। इसमें मेरी पाठशाला और अध्यापकों का बहुत बड़ा योगदान रहा। अध्यापकों के सहयोग और सच्ची लगन से सफलता की बुलंदियों को प्राप्त किया जा सकता है। तो उन्होंने बताया था कि जब उन्हें अंतरिक्ष के सपने देखने लगे तो अंतरिक्ष की परिशोधना के लिए या अंतरिक्ष की शोधन करने के लिए उन्हें कौन सा विषय चुनना है, तब उन्हें पता चला गणित और विज्ञान का विषय को चुनना है। तो वो गणित और विज्ञान को तन मन में बसा लिया है। और इसमें उनकी पाठशाला जो है अल्पुजा में, वो और पाठशाला के अध्यापकों का बड़ा योगदान है, मतलब उन दोनों के सहयोग से ही इतने उन्नत शिखर को पा पाई। तो साक्षात्कारकर्ता पूछ रहे थे, जब कभी कोई आपको भारत की प्रथम मिसाइल वुमन और अग्निपुत्री कहते हैं तो आपको कैसा लगता है? इसी तामस बोल रहे थे, मुझे बेहद खुशी होती है, मेरे पास बयान करने के लिए कोई शब्द नहीं है। सन 1885 में DRDO द्वारा देश भर के 10 युवा वैज्ञानिकों को चुना गया, उनमें मेरा नाम भी था। उस दिन मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी, मानो मेरे सपनों को पंख मिल गए थे। मैंने अग्नि मिसाइल के अभियान से जुड़कर जो आनंद प्राप्त किया वह सदा याद रहेगा। जिस कार्य में हम लक्ष्य प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और इतना लगन और मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं और जब उसे हमें मिलता है, प्राप्त होता है, तो उस समय की जो खुशी होती है उसका ठिकाना ही नहीं रहता है। We can't measure that joy which when we are getting our goal is completed, we reach our goal, so we can't express, no words to express। तो इस तरह इनकी हालत थी, वे अपने शब्दों में बता नहीं पा रही थी, इतना खुशी से वह झूम रही थी। तो साक्षात्कार फिर से एक प्रश्न पूछ रहा है, आप अपना आदर्श किसे मानती हैं? तो आप अपना आदर्श किसे मानती है, रोल मॉडल? तो टेसी थॉमस बता रहे थे, आज हमारे यहाँ जब भी अंतरिक्ष विज्ञान और मिसाइल की बात की जाती है तो सभी के मस्तिष्क में एक ही नाम गूंजता है, APJ अब्दुल कलाम। सच्चे अर्थों में वे देश के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के आदर्श हैं। उन्होंने दुनिया के मानचित्र में भारत को जो स्थान दिलाया है उसके लिए भारतवासी उनके ऋणी हैं। मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगी कि वे मेरे गुरु हैं। DRDO में टेसी थॉमस APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में काम कर चुकी है, उन्होंने ही मुझे प्रेरणा के अग्नि पंख दिए हैं। वे महान थे, महान हैं और महान रहेंगे। उनकी नेतृत्व क्षमता बेमिसाल है, उन्हें मैं अपना आदर्श मानने में गर्व अनुभव करती हूँ। तो यहाँ APJ अब्दुल कलाम जी एक ऐसा व्यक्ति है, अकेला व्यक्ति है जिनसे किसी की बराबरी नहीं की जा सके। No comparison of Abdul Kalam ji. He is like that person, he is like this person. No comparison at all. He
he has his unique talent, unique qualities. No one can be like that. तो उस तरह का आदर्श व्यक्ति, उस तरह का रोल मॉडल व्यक्ति एकेसी तामस के गुरु थे और वे उसे गुरु, महान गुरु मानकर उनके पद चरणों पर चलती थी। इस तरह वे अपना बयान बताए थे। तो साक्षात्कार फिर से प्रश्न पूछ रहे थे, बच्चों को आप क्या सुझाव देना चाहती हैं? तो इन्होंने कहा, बच्चों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि वे जो भी पढ़ें ध्यान से पढ़ें, मेहनत करें और लक्ष्य प्राप्त करने तक रुके नहीं, जो उन्हें पसंद है उसमें अपना जी जान लगा दे, कमर कसकर तैयारी करें, सफलता अवश्य उनके कदम चूमेगी। जब हम कुछ लक्ष्य प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो लक्ष्य प्राप्त होने तक उसके लिए उस तरह की मेहनत को जारी रखना चाहिए और कभी भी मेहनत को बीच में रोकना नहीं चाहिए। जब तक हम लक्ष्य प्राप्त नहीं करते हैं तब तक हमें लगन के साथ मेहनत को जारी रखना चाहिए। इस तरह केसी तोमर जी बच्चों को संदेश देती है कि जिन्हें जो विषय पसंद है उसमें वे अपना जी जान लगा देना चाहिए। अभी भी जो विषय पसंद नहीं है उसमें पढ़कर पीछे रहने के बजाय आराम से जिस विषय में आपको ज्यादा रुचि है उसे आप चुनकर उसके लिए कड़ी मेहनत करिए कीजिएगा तो जरूर आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाओगे। इस तरह वे समझा रही थी। तो इन्हें अग्निपुत्री 5 कहा जाता है और इनके गुरु अब्दुल कलाम जी के कारण इन्हें अग्नि पंख मिला था, मतलब इनकी जो लक्ष्य प्राप्ति थी, इनकी जो सपना थी वह साकार हो पाया था। तो इस तरह है वे अपने गुरु अब्दुल कलाम जी के साथ काम की थी। तो हम कह सकते हैं कि अब्दुल कलाम जी के कारण ही भारत आज विज्ञान के क्षेत्र में सभी के नजर में ऊंचा हो पाया है। तो मानचित्र में भारत एक छोटा सा देश है, फिर भी भारत सभी देशों से बराबर है। क्यों? क्योंकि अब्दुल कलाम जी ने इस देश को उतना महान बना दिया था। तो इस तरह उन्होंने अच्छा स्थान भी दिए थे। तो इसके बाद आप देखिए भाषा की बात में, प्रतिभा, परिश्रम, छात्र, शिक्षा, तो इन सब का पर्यायवाची लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। पहले वाक्य प्रयोग, हर व्यक्ति में कोई ना कोई प्रतिभा होती है, तो मतलब टैलेंट है। परिश्रम का फल मीठा होता है, परिश्रम मतलब हार्ड वर्क। छात्र, छात्र का मतलब स्टूडेंट, नाम एक अर्थात छात्र है। शिक्षा, शिक्षा मतलब एजुकेशन, जीवन में शिक्षा का बड़ा महत्व है। पर्यायवाची शब्द सिनोनिम से प्रतिभा, कौशल, नैपुण्य, निपुणता, परिश्रम, मेहनत, श्रम। छात्र, विद्यार्थी, चेला, शिष्य, अभ्यासी, अध्येता। और शिक्षा, विद्या, पढ़ाई, तालीम। इस तरह ये भाषा की बात है। अगले भाषा की बात को देखते हैं। संभव, ज्ञान, बढ़िया, साकार, इसका विलोम शब्द लिखना है। तो संभव, संभव, ज्ञान, अज्ञान, बढ़िया, घटिया, साकार, निराकार। इसके इसे अगर वाक्यों में प्रयोग किया जाए तो संभव कार्य परिश्रम से, असंभव कार्य परिश्रम से संभव होते हैं। ज्ञान से अज्ञान मिटता है। दुकान में बढ़िया तथा घटिया हर तरह का माल था। किसी के लिए भगवान साकार है तो किसी के लिए निराकार। छात्र,
छुट्टी पौधा बात वचन बदलिए, छात्र छात्राएं, छुट्टी छुट्टियां, पौधा पौधे, बात बातें। कक्षा में छात्राएं अधिक थी, गर्मी की छुट्टियां बड़ी मजेदार थी, पौधे लगाने से पर्यावरण में संतुलन बना रहता है, ग्रंथालय से बातें करना मना है, ग्रंथालय में बातें करना मना है। सूचना पढ़िए, उसके अनुसार कीजिए। निर्धन संकल्प संधि विच्छेद, निर्धन में निः प्लस धन, निर्धन विसर्ग संधि है। संकल्प में सम प्लस कल्प व्यंजन संधि। सुबह शाम युवा शक्ति समास पहचानिए। सुबह शाम, सुबह और श्याम, शाम द्वंद्व समास, युवा शक्ति युवा की शक्ति तत्पुरुष समास। अभी प्रश्नोत्तर देखिए, बच्चों के लिए टेसी थॉमस का संदेश क्या है? बच्चों के लिए टेसी थॉमस का संदेश यह है कि वे जो भी पढ़ें ध्यान से पढ़ें, मेहनत करें और लक्ष्य प्राप्त करने तक रुके नहीं, जो उन्हें पसंद है उसमें अपना जी जान लगा दें, कमर कसकर तैयारी करें, सफलता अवश्य उनके कदम चूमेगी। टेसी थॉमस को अग्निपुत्री का उपनाम क्यों दिया गया होगा? टेसी थॉमस को अग्निपुत्री का उपनाम इसलिए दिया गया होगा कि टेसी थॉमस ने अपने मेहनत लगन और दृढ़ निश्चय से पुरुष वर्चस्व वाले क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। टेसी थॉमस रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अग्नि 5 कार्यक्रम के निदेशक बनी। उन्होंने देश के प्रमुख मिसाइल प्रोजेक्ट की पहली महिला बनने का गौरव प्राप्त किया। तभी से टेसी थॉमस को अग्निपुत्री के नाम से जाना जाता है। तो कलाम के विचार में आदर्श छात्र के गुण क्या हैं? कलाम के विचार में आदर्श छात्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण ये हैं कि अपने प्रति ईमानदारी और दूसरों के प्रति आदर का गुण, छात्रों को पढ़ाई में निरंतर परिश्रमी रहना, जीवन में एक लक्ष्य बनाएं, नैतिक मूल्यों का ग्रहण कर पालन करना। ये आदर्श छात्र के गुण टेसी थॉमस का संदेश इज अ बहुत इम्पोर्टेंट है। टेसी थॉमस के जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है? उनके जीवन से संदेश मिलता है कि अपनी मेहनत लगन और दृढ़ निश्चय से अपने मनपसंद क्षेत्र में सफलता के शिखर तक पहुंचना चाहिए, लक्ष्य प्राप्त करने तक रुके नहीं, कमर कसकर तैयारी करें, मेहनत करें, सफलता अवश्य कदम चूमेगी, जो भी पढ़े ध्यान से पढ़े। और अभी अब्दुल कलाम के साक्षात्कार का सारांश है। यह एक संकलित साक्षात्कार पाठ है, इसमें कुछ छात्रों ने APJ अब्दुल कलाम का साक्षात्कार लिया। अब्दुल कलाम जी अपने विचार इस प्रकार प्रकट करते हैं, बढ़ती जनसंख्या और सामाजिक समस्याओं से के संबंध को उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी महिला साक्षात्कार दर अधिक है वहां बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने में कारगर साबित हुई है। बाल मजदूरी की समस्या को समाप्त करने के लिए उन्होंने 3 उपाय बताए हैं। बच्चा स्वयं अपनी पढ़ाई की जारी रखने में रुचि दिखाएं, माता पिता को शिक्षित करें, बच्चों से काम लेने वाले मालिकों में आत्मनियंत्रण की प्रवृत्ति का विकास करें। भारत में भ्रष्टाचार को निर्मूलन के संबंध में उन्होंने कहा कि यहाँ आंदोलन अपने घर और पाठशाला से ही आरंभ करना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार निर्मूलन के लिए व्यापक आंदोलन की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार निर्मूलन में छात्रों को 3 प्रकार के लोग सहायक सिद्ध हो सकते हैं, माता पिता, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक। कलाम के अनुसार छात्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण अपने प्रति ईमानदारी और दूसरों के प्रति आदर का गुण। ये दोनों गुण छात्र को निस्संदेह आदर्श नागरिक बनाएंगे। विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के बारे में कलाम जी ने कहा कि छात्र हमेशा अपनी कक्षा की पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए खूब परिश्रम करना चाहिए। छात्रों को अपने जीवन से परिचित होना चाहिए, नैतिक मूल्यों को ग्रहण कर पालन करना है। और टेसी थॉमस जी के उन्होंने क्या कहा है? टेसी थॉमस बचपन से कुछ अलग करना चाहती है। वे अंतरिक्ष के सपने देखती थी,
टेसी थॉमस गणित और विज्ञान के विषय में रुचि थी। पाठशाला और अध्यापकों का बहुत बड़ा योगदान है। आपको भारत की प्रथम मिसाइल वुमेन और अग्निपुत्री कहते हैं तो टेसी थॉमस को बेहद खुशी होती है। इसके लिए उसके बयान के कोई शब्द नहीं है। सन 1885 में DRDO द्वारा देश भर के 10 युवा वैज्ञानिकों चुना गया, उसमें टेसी थॉमस जी एक हैं। तब उनकी खुशी की सीमा नहीं थी। टेसी थॉमस गर्व से कहना चाहती है कि एपीजे अब्दुल कलाम जी उनके गुरु हैं। बच्चों को सुझाव देते हुए टेसी थॉमस जी ने कहा कि वे जो भी पढ़े ध्यान से पढ़े, मेहनत करें और लक्ष्य प्राप्त करने तक रुके नहीं। जो उन्हें पसंद है उसमें अपना जी जान लगा दे, कमर कसकर तैयारी करें, सफलता अवश्य उनके कदम चूमेगी। तो इस तरह कई प्रश्नों का उत्तर है। इसमें कहा जाए हर एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम उसे आप देखिए, इसमें कलाम के विचार में आदर्श छात्र के गुण क्या हैं, ये इम्पोर्टेंट है। टेसी थॉमस के जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और बच्चों के लिए टेसी थॉमस का संदेश क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। टेसी थॉमस को अग्निपुत्र का उपनाम क्यों दिया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। पिछले दो वीडियोस में भी आपको बताया था कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। अच्छे नागरिक के गुण, अच्छे छात्र के गुण, ये दोनों भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस पाठ से आपको 6 प्रश्न तक इम्पोर्टेंट हैं। तो अभी हम इसे यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।